देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया, मेरी यानी ब्रीता के साथ। आइए देखते हैं आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। बिना किसी बंदिश के मनाए जाएंगे सभी त्योहार, धारा 144 रहेगी लागू, शांति समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। घटिया तहसील मुख्यालय स्थित पुलिस थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक डीएसपी अरविंद तिवारी, एसडीएम वीरेंद्र सिंह दांगी, नायब तहसीलदार योगेश मेश्राम की उपस्थिति और थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान की अध्यक्षता आयोजित की गई। बैठक में आगामी त्योहारों होलिका दहन, शबे रात और रंग पंचमी पर लगने वाले मेले और निकलने वाली गैर को लेकर विचार विमर्श किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के उपस्थित जनों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बताया कि इन सभी त्योहारों को शांति और सद्भावना के साथ मनाए, शासन प्रशासन से जो भी अपेक्षाएं वह हम पूरी करेंगे, साथ ही किसी प्रकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अनुमति लें तो उसके लिए बेहतर होगा। हालांकि सभी त्योहारों को लेकर प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है। शांति समिति को लेकर आज बैठक आयोजित की है, इस संदर्भ में आपका ये जो आगामी त्योहार है, होली है, होली जलेगी, दिवाली है, 18 तारीख को, और 18 तारीख को रात को शबे बारात है, और उसके बाद 22 तारीख को रंगपंचमी है। तो ऐसे मौके पर हम लोग जो एरिया के गणमान्य नागरिक होते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जो पुलिस को सपोर्ट भी करते हैं, उन सब लोगों को बुला करके मीटिंग, शांति समिति की मीटिंग कर लेते हैं और उनको भी बता देते हैं किसी तरह की कोई समस्या है, किसी तरह कोई सुझाव है। तो इसीलिए ये मीटिंग आयोजित की गई थी आगामी त्योहारों को लेकर, और सभी लोगों ने मतलब अच्छे से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, सभी लोगों ने बताया और सभी लोगों ने हम लोगों को एश्योर किया है कि सर यहाँ पूर्व में भी कभी भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं घटी है और अभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी।